हेलो माय क्यूटीज, होप आप सभी सही होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल और वेलकम टू माय चैनल। सो हैप्पी नवरात्रि। आज नवरात्रि का सेकंड दिन है और मम्मी पूजा कर रही है। सो मैं मम्मी को दिखा देती हूँ। सो मम्मी यहाँ पे पूजा कर रही हैं। सो गाइज, मम्मी की पूजा हो गई है और अब मम्मी ही है किचन में। सो मैं आपको दिखाती हूँ कि मम्मी क्या कर रही हैं किचन में। गाइज ये रही मेरी मम्मी। गाइज मम्मी यहाँ पे पकौड़े बना रही हैं सुबह सुबह, और मतलब कि कढ़ी बनाई है मम्मी ने। सो कढ़ी में पकौड़े डालेंगी। सो उसकी अभी तैयारी कर रही है मम्मी। सो ये तो सूखा धनिया कूट कर डालो, और इसमें सारा धनिया डाला है, इसमें अजवाइन डाली है, इसमें हरा धनिया डाला है, बेसन डाला है और आलू डाला है इसमें, और इसमें आलू डाले हैं। वैसे मम्मी इसमें मतलब कि प्याज वगैरह भी डालती हैं, लेकिन अब की बार वैसे तो ये, लेकिन आज ये जैसे प्याज तो नहीं खाएंगे नवरात्रि। सो इसलिए इसमें हरी मिर्च भी काटती है ना मेरे हिसाब से। हाँ, सो मतलब ये वैसे नॉर्मल पेस्ट बनाया है मम्मी ने पकोड़े बनाने का, और वैसे कई फिर बार दाल के भी बना के डाल देते हैं, जैसे पकोड़े उसके मूंग की दाल के। तो आज मैं थोड़ा जल्दी गई, मेरे को कहीं जाना आज, इसलिए जल्दी में मैंने आलू कस के ये सिंपल बना दिए, लहसुन प्याज जैसे डालने नहीं है। और गाइस मैंने यहाँ पे बादाम छील के रख दिए ये। हाँ, सो गाइस ये ना बादाम छील के मम्मी ने रखे हैं, और अभी इसका बादाम का हलवा बनेगा। और वहाँ पे वो कुकर में मम्मी क्या है, इसमें गाइस कढ़ी पक रही है, और ये कढ़ी जब बन रही थी तब मैं पता नहीं कहाँ थी, तो इसकी मैं रेसिपी बता नहीं पाई मतलब कैसे क्या बनाया। तो मम्मी अब बताएगी कि मम्मी ने कैसे क्या करा है। कैसे करी है मम्मी आपने बिना मतलब प्याज के? बिना प्याज के, जैसे मेथी का और उसका क्या होता है, राई का छोंक लगा दिया। मतलब पहले तो आपने ऑयल डाला, फिर उसके बाद थोड़ा वो जीरा डाला, हींग डाली, मेथी डाली, मेथी के दाने होते हैं वो, और गाइज अब यहाँ पे पकौड़े बनने स्टार्ट हो गए हैं। एंड गाइज वहाँ पे हमारे चावल भिगो के रखे हुए हैं, क्योंकि हम कड़ी चावल खाएंगे आज, और बादाम का हलवा और लस्सी के साथ, ठंडी लस्सी के साथ हम खाएंगे। आज तो मेरी माँ के हाथ इतने फटाफट चलेंगे, क्योंकि आज बाहर जाने ना मम्मी जी, चिमनी बंद आपकी। ये मेरी माँ हाँ गाइस, लेकिन ये ना आवाज ज्यादा करती है तो मम्मी इसको ना बंद कर देती है। चिमनी सही है हमारी, चिमनी है चिमनी गाइस सही है, ओके है। क्या हो गया मम्मी? एक घंटा हो गया तो तुमको तो सब क्या है। बाद में इसका तड़का लगा दूँ, लेकिन आज मैंने पहले ही लगा दिया। क्यों? अच्छा जल्दी में सो गाइस यहाँ पे हमारे पकौड़े बन रहे हैं। मम्मी ने तो सारे ही एक बार में ही डाल दिए, ये फटाफट की स्पीड है मम्मी की। सो गाइस काम जो शोरों पे चल रहा है मेरी माँ का, ये तो बस 2-4 मिनट में हो जाएंगे, 5-6 मिनट में हो जाएंगे ये पकौड़े। गाइस कड़ी में चमचा घुमाना जरूरी होता है, क्योंकि ये कड़ी नीचे लग जाती है, और फिर नीचे लग जाती है तो फिर वो खराब हो गया, इसको पकते हुए ये से पक रही है अभी। इतना कुकर था, इतना हो चुका है, ऊपर तक था, ऊपर तक तो नहीं था, लेकिन फिर कड़ी मतलब थिक मतलब अच्छी लगती है ना, जैसे कि गाढ़ी कड़ी
अच्छी लगती है। अब क्या करोगे? अब हलवा बनाऊंगी बादाम का। वो वाला स्टोव होता ना, तो जो कि आपने पैक करके रखा हुआ है उसको, वो स्टोव होता तो उसमें तो मतलब कि हाँ उसमें तो फिर हाँ चार बर्नर का है ना, तो उसमें तो फटाफट हो जाता। तो गाइस पकोड़े बनकर तैयार हो चुके हैं और अब ये डालेंगे सीधा कढ़ी में। क्या अभी नहीं डालेंगे? हाँ सो गाइस ये है हमारे गरम गरम पकौड़े। ये इसमें तड़का लगा दिया और ये डाल दिया इसमें जैसे। तो गाइस इसमें तड़का लगा दिया है और हरा धनिया डाल दिया और इसमें जो पकौड़े बने थे वो भी डाल दिए हैं। काय ये रे मज़ेदार सब्जी बन के तैयार हो गई हमारी कढ़ी की। सो गाइस हमारी कढ़ी बनकर तैयार हो गई है और चावल मम्मी थोड़ी देर में बनाएगी और उससे पहले जो मैंने आपको बादाम दिखाए थे वो पूरी रात हम मतलब मम्मी ने भिगो रहे क्या बोल रही हूँ मैं अभी रात में मतलब कि भिगो दिए थे बादाम और फिर वो पूरी रात भीगे रहे और सुबह फिर मम्मी ने उनका जो छिलका है वो उतार दिया और वो भी रखे हुए हैं और अब मम्मी उनका बनाएगी बादाम का हलवा। इसमें डाल के ये पीस देंगे बादाम को। अच्छा ये सारे बादाम अभी पीसने हैं पहले? हाँ, जैसे ये बादाम है ना इनको पीस देंगे। सो गाइस अब क्या मम्मी थोड़ा सा और पीसेंगे बादाम ये थोड़े मोटे हैं पिस गया मम्मी ढंग से अब तो पिस गया। अच्छा सो मतलब कि ऐसा टेक्सचर आ जाएगा। सो गाइस अभी जैसे कि बादाम मम्मी ने पीस कर रख दिए हैं और अब मम्मी क्या कर रहे हो आप? मैं अब हलवा बना रही हूँ बादाम का। ये मैंने उस दिन भून के रख दिया था। हाँ से पहले ही भून के रख दी थी। उस दिन तो गाइस मम्मी ने सूजी पहले ही भून कर रख दी थी और इसमें मैंने ये कूट दिया है इलायची। हाँ, मम्मी ने इलायची कूट के इलायची पाउडर घर पे ही बना दिया। और गाइस ये है सूजी भुनी हुई। जितनी हम सूजी लेंगे ना उतनी ही चीनी लेंगे इसमें। अच्छा और इसमें मैंने जैसे निखड़ू दूध रख दिया ठंडाई। गाइस किसी को निखड़ू दूध नहीं पता हो तो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। निखड़ू दूध होता है कच्चा दूध। तो गाइस इसमें घी और मम्मी ने पहले घी डाल दी पता नहीं कब डाल गई। पहले घी डाल के तो सूजी डाली। हाँ गाइस घी डालकर मम्मी ने ये सूजी इसमें डाल दी और अब इतनी चीनी लेंगे हम। जैसे ही चीनी लेंगे उसके पात नहीं बनाएंगे दूध डालेंगे ना। अच्छा नहीं पहले जैसे नॉर्मल जो हलवा होता है उसमें तो पात बनाते हैं जैसे पानी में चीनी डालते हैं फिर उसमें कभी कोई कोई तो इलायची भी डाल के कर देता है तो पूरा मतलब उसका वो जाता है। इसमें डायरेक्ट चीनी डाल देंगे। हाँ। अच्छा सही है। अब गाइस सारी जब भी खाना डेली मम्मी बनाया करेगी उसकी वीडियो बना दिया करूंगी कैसे स्टेप बाय स्टेप बना रही है। कल को मुझे बनाना हो गया था ना तो मैंने इसमें थोड़ा सा बादाम में पानी डाल दिया। अच्छा हाँ फिर जैसे ये जल्दी से पिस गया ना लिक्विड हो गया। सो गाइस अभी सूजी भून रही हूँ। अच्छा सूजी भून रही हूँ फिर क्या इंडिकेशन है इसका मतलब कब तक भूनना है? जब तक ये थोड़ी ब्राउनिश सी ना हो जाए खुशबू आ जाएगी। ये सारा खाना गाइस मैंने ही सिखाया है बनाना कैसे बनाते हैं खाने को। फिर तूने सिखाया तो मेरे पीछे बनाया क्यों नहीं तूने? वो मैं फिर मेरे पास डेली फोटो भेज देती। फोटोज तो मैंने भेजी है खाने की बाहर के खाने की। अच्छा ये सूजी जैसे पहले ही भून के रख देते ना तो सही रहती है ना थोड़ी जल्दी भी भून जाती है मेरे हिसाब से जल्दी भी भून जाती है और इसमें जैसे कुछ खराब भी नहीं होती है कीड़ा वीड़ा नहीं होता है इसमें।
छान के भून के अभी तो रखी थी उस दिन, ये शीतला माता की पूजा। हाँ उस दिन रख के गई थी आप। भाई खुशबू इतनी तगड़ी आ रही है ना मेरे को, बस नाक का मेरे। हाँ इसमें और कुछ ड्राई फ्रूट नहीं डालने। क्यों? इसमें खाली बादाम ही डालने बस, ये बादाम का ही। अरे कोई बात नहीं, आप दो तीन डाल दो। मेरे पास केसर नहीं है, नहीं तो मैं जैसे इसमें केसर डाल देते हैं बस और बादाम। कोई बात नहीं, थोड़ा सा थोड़े कट 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 आना चाहिए। कट कटे अब नौमी वाले दिन फिर बढ़ेगा तो वो दिन भी खा लेंगे। हो गया ये बेटा, देखा गाइस सिखाया मैंने ही है सब कुछ। तो गाइस इसमें मम्मी ने वो जो बादाम कसे थे मतलब पिसे थे वो डाल दिए, और उसके साथ मम्मी आपने क्या डाला? दूध। दूध भी डाल दिया गाइस मम्मी ने। थोड़ा सा पानी डाल दिया। अच्छा इसकी खुशबू कितनी अच्छी आ रही है। ये हो गया बादाम का हलवा। और ये अभी है इसमें ये चीनी डाल दी। हाँ और क्या करना है, ये इसमें ये इलायची भी डाल दी। अब क्या करते हो? ले इसमें इलायची भी डाल दी, ले थोड़ी सी वो डाल दो, चलो किशमिश तो डाल दो थोड़ी। नहीं और कुछ नहीं डालना, खाली बादाम हो गया इसमें और टेस्ट आएगा इसका। अच्छा बहुत अच्छा। मेरे को तो खुशबू इतनी अच्छी आ रही है इसकी। इतनी सूजी होती है जैसे एक आधी कटोरी सूजी है इसमें, लेकिन एक कटोरी बादाम है इसीलिए इसको बादाम का हलवा बोलते हैं। गाइस आपने सुना ना इसको क्यों बादाम का हलवा बोलते हैं, मतलब कि आधी कटोरी तो इसमें सूजी होती है और एक कटोरी इसमें बादाम डालें तो इसलिए बादाम का हलवा बन गया। और मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ, मुझे ना अकल जाड़ कहते हैं उसको, मेरे को ना वो आ रहा है पीछे यहाँ पे एकदम ऊपर वाली साइड पे यहाँ पे ऐसे आ रहा है, और बहुत 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 ज़्यादा दर्द हो रहा है मुझे, सच में इतना तेज़ दर्द हो रहा है, और 3-4 दिन हो गए हैं मुझे ना ढंग से कुछ खाया भी नहीं जा रहा है। सो बस मैं चाहती हूँ फटाफट से ये ठीक हो जाए और जो आना है दांत वो पूरा आ जाए और मेरा बस ये दर्द जो है वो चला जाए। बन क्या अब हमारा हलवा बन के तैयार हो गया। देखो कितनी अच्छी खुशबू आ रही है ना। अपने मेरे को तो बहुत कम आती है खुशबू। गाय सब कुछ आता है फालतू में ना ऐसे ड्रामा जैसे ये गाय का हो गया। ये गाय माता का। ये गैस बंद करी और हमारा हलवा बनकर हुआ तैयार। गाइस हमारा हलवा बनकर हो गया तैयार, और ये जो दिख रही है आपको वीडियो के अंदर, इन्होंने ये हलवा बनाया है प्यारा प्यारा सा। गाइस देखो मतलब सबर नाम की कोई चीज नहीं है, नाउ हम खा रहे हैं। सो गाइस खाना पीना हो गया, होप आपने वीडियो एंजॉय किया हो, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो देन प्लीज वीडियो को लाइक करना एंड कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा, एंड मुझे सपोर्ट करने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। टाटा बाय, ध्यान रखो अपना।